नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। गिफ्ट किए हुए जूते नहीं लेती सोनम कपूर, करती है एक खास टोट का। क्या है सोनम कपूर से जुड़ी ये इंटरेस्टिंग खबर, आइए आपको बताते हैं। पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, बॉलीवुड के फैशन क्वीन सोनम कपूर अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए अक्सर चर्चाओं में रहती है। हर आउटफिट में वो कमाल की नजर आती है। अपने आउटफिट से लेकर फुटवेयर और उनके लुक में सब कुछ हमेशा टिप टॉप रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गिफ्ट किए हुए जूतों को लेकर सोनम जरा अंधविश्वासी है। जो है, एक बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया। सोनम का मानना है कि जब आपको कोई जूते गिफ्ट करता है तो आपको उन्हें टोकन के रूप में ही सही, पर कुछ पैसे जरूर देने चाहिए, फिर चाहे एक रुपया ही क्यों ना हो। उनका मानना है कि ऐसा करने से बैड लक दूर चला जाता है। वैसे भारत में कई लोग ये बात मानते हैं और मजेदार बात यह है कि सोनम उनमें से एक है। तो वहीं पर अगर अंधविश्वास की बात करें तो सोनम की अपकमिंग फिल्म द जोया फैक्टर भी इसी थीम पर बेस्ड है। इस फिल्म में वो साउथ सुपरस्टार दलकीर सलमान के साथ दिखेंगी। आपको बता दें, सोनम सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है और अपनी फोटोज और वीडियोज फैंस के लिए शेयर करती रहती है। आपको बता दें, सोनम की आने वाली फिल्म द जोया फैक्टर है। कुछ दिन पहले ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। फिल्म की सफलता के लिए सोनम गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने अधेरीचा राजा पहुंची थी। इस खास मौके पर सोनम लाल अनारकली सूट में नजर आई थी। उन्होंने बालों का बन बनाया हुआ था। सोनम इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। उन्होंने गणेश की वंदना की, साथ ही मूषक के कान में एक मुराद भी मांगी। माना जाता है कि गणेश की सवारी मूषक के कान में जो भी मुराद बोली जाए वो पूरी हो जाती है। आपको दिखाते हैं सोनम कपूर का ये शानदार लुक। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।